छठ महापर्व को देखते हुए धनबाद नगर निगम ने शहर की तालाब की सफाई को लेकर दुर्गा पूजा से ही कई निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे, जिसका नतीजा छठ महापर्व से पहले शहर के सभी घाटों की सफाई अंतिम चरण में, जिसकी निगरानी के लिए धनबाद नगर निगम में 5 टीम बनाई गई थी, जो सभी अंचलों में सफाई का जायजा लेने भेजा गया था। वहीं आज खुद धनबाद के महापौर और नगर आयुक्त ने शहर की कई घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि अभी तक 90% घाटों की सफाई पूरी हो चुकी है, शेष छठ से पहले पूरी कर ली जाएगी। आज नगर निगम की 5 टीमें जो है तो 5 अंचलों में छठ घाटों के सफाई और स्वच्छता का निरीक्षण करने के लिए गई हुई है। और छठ के पूर्व जो है हम लोग नगर निगम के अंतर्गत जितने भी छठ घाट निर्मित है सबकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। आज के निरीक्षण प्रतिवेदन में अगर कुछ कमी किसी को पाया जाएगा तो उसको सुनिश्चित कराया जाएगा कि उस कमियों को दूर किया जा सके। ये घाटों की सफाई का कार्य हम लोगों ने दुर्गा पूजा के ही प्रारंभ करा दिया गया और करीब 90% जो है सफाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। अभी दीपावली के समाप्ति के पश्चात कुछ मूर्तियों का विसर्जन या फिर जो है कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं उन्हीं का सिर्फ सफाई किया जा रहा है और छठ के पूर्व 100% छठ घाटों की जो है ये सफाई पूर्ण करा दी जाएगी। वहीं धनबाद के महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी घाटों का निरीक्षण किया, जिससे वो संतुष्ट थे। महापौर ने कहा कि विगत 3 सालों से शहर की घाटों की सफाई सही तरीके से की जा रही है। पहले इसको लेकर लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन किया करते थे, जो अब नहीं होता है। आप लोग बताएंगे अपने कैमरे में कैद करके, और लगातार हर साल, मतलब ये हम लोग का 3रा साल है जो हम लोग हमारे टेन्योर में हम लोग इसको इशू नहीं बनने दे रहे हैं। इसके पहले हम लोग हमेशा एक बड़े बड़े इशूज के रूप में तालाब की सफाई होती थी और निरंतर हम लोग लगे हुए हैं, कंटिन्यूस लगे हुए हैं कि हमारे सारे तालाब अच्छे हो जाएं और हम धनबाद को एक स्वच्छ स्थिति में दें। रेलवे के तालाब छोड़ के जितने भी हमारे तालाब हैं सबको हम लोग जो प्रदूषण का मानक है उस स्तर तक लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितने भी तालाब है सब में सफाई का काम चल रहा है, सब में सफाई और उसका सारा हम लोग काम कर रहे हैं। 5 टीमें भी गठित की गई है तालाबों को निरीक्षण के लिए। देखिए बहुत जगह है कि हम लोग काम दे दिए हैं, कुछ काम में कमी है, तो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की जाएगी तब तक संभव नहीं है काम मॉनिटरिंग के बगैर, तो उसके लिए एक अच्छी पहल हुई है इस बार और इसका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। झरिया का राजा तालाब जो है काफी बड़ा है और वहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहाँ पर भी केवट तो लगाकर सफाई की जा रही है। वो हम लोगों ने केवट को लगाया था काफी पहले से ही और केवट ही वहाँ हर साल सफाई करते हैं। अपने हमारे लेबर भी लगे हुए हैं, एडिशनल में केवट लगे हुए हैं और आज से कल